बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना और मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में मटन भिंडी गोश्त। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भिंडियों को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है और इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से को कट करेंगे और बीच में एक कट्स का निशान लगाएंगे। तो मैंने गैस के ऊपर 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब सारी कटी हुई भिंडियों को डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसे हल्का ही फ्राई करेंगे। तो देखें, भिंडी हमारी फ्राई हो गई है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसके ऊपर 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टेबल स्पून नमक स्प्रिंकल करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। और सेम कढ़ाई के अंदर 1/2 कप ऑयल डालेंगे और इसे गर्म हो जाने देंगे। तो ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट कर लिया था। अब इसे डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे। तो देखें, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब इसके अंदर ये मेरे पास 1 kg मटन है, इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब इसे डाल देंगे और 1 मिनट तक प्याज के साथ इसे भून लेंगे और फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मिक्स करेंगे। और अब 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे 8 से 10 मिनट तक भून लेंगे। इसे भूनते हुए 10 मिनट हो चुका है। अब 1 कप दही डालेंगे। दही को एक साथ नहीं डालेंगे, इसे 2 बार में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक देंगे। अब फिर 1/2 दही डाल देंगे और मिक्स करेंगे और फिर से ढक देंगे। तो मैंने दही डालकर इसे अच्छे से भून लिया है तकरीबन 10 मिनट तक और ये काफ़ी अच्छे से भून चुका है। तो अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे जिससे कि यह टेंडर हो जाए। मैंने एक छोटा टुकड़ा इमली का लेकर पानी के अंदर भिगो दिया था। अब इसे छन्नी में छानकर इसका पल्प गोश्त के अंदर शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक देंगे और गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पर इसे 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे। तो देखें, इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुका है। तो अब इसे चेक करेंगे कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं गोश्त हमारा टेंडर हो गया है। तो अब इसे थोड़ी देर भून लेंगे और फिर इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करेंगे। इसे मिक्स करेंगे और फ्राइड भिंडियों को शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और ढक देंगे। गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो देखें, 3 मिनट हो चुका है। अब इसे खोलकर चेक करेंगे। तो माशाल्लाह, आप देख सकते हैं ये कितना शानदार बना है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे और इसे 1 सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।